दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आज श्री जगन्नाथपुरी में अपने दोस्त प्रदीप के साथ। और आज है जनवरी महीने की 8 तारीख, सन है 2019। पिछले 3 वर्षों से ऐसा हो रहा है कि साल के ये दिन हमारे समुद्र के आसपास ही जाते हैं। पिछले साल जहाँ तमिलनाडु में थे, केरल में थे, उससे पहले साल हम गुजरात में थे और गोवा में थे। समुद्र हमें बुलाता है ये बताने के लिए कि वो असीम है, और ये जताने के लिए कि हम जो अपनी छोटी छोटी परेशानियों को लेके बहुत सारा परेशान हुए रहते हैं, जब तक हम असीम अपने आप को अंदर से नहीं करेंगे तब तक हमें आनंद नहीं आएगा, जीवन का पता नहीं चलेगा। तो समुद्र एक बहुत बड़ी सीख हमें देता है। यहाँ जगन्नाथपुरी में जहाँ समुद्र है हमें आकर्षित करता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी के जो चरण हैं वो हमें मिलते हैं, और इसीलिए यहाँ पर देश भर के कितने ही लोग यहाँ पर आते हैं। ये पूरी की पूरी जो नगरी है एक तरह से धार्मिक नगरी है, जो आने वाले पर्यटक हैं उनसे ही एक तरह से यहाँ का मुख्य रोज़गार है। पर उसके बावजूद एक चीज़ है जो यहाँ आने वाले लोगों को परेशान करती होगी, हम आ जाए तो हमें भी उसने परेशान किया, वो मित्रों ये है कि किसी धार्मिक नगरी में जहाँ पर इतने सारे लोग आने वाले हों, और उन लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हों कि जो किसी धार्मिक वजहों से यहाँ आते हों, उनको यहाँ पर वैसी व्यवस्थाएँ नहीं मिलती जैसी होनी चाहिए। धार्मिक नगरी होने के साथ साथ हर एक नगर को स्वच्छ होना चाहिए, वहाँ की जो डीलिंग है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। बहुत सारी धार्मिक जगहों पर हम जा पाए हैं और अपने उसके पूरे एक तरह से निष्कर्ष के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सफाई की सबसे जो बुरी स्थिति होती है आमतौर पर वो धार्मिक नगरियों में होती है। और यहाँ पर अगर आप कमरे का किराया देखें तो उसमें बड़ा मोल भाव आपको करना पड़ता है, यहाँ तक कि रिक्शा वाला या फिर चाय से लेके खाने वाले को भी ये फिराक रहती है कि आपसे कैसे ना कैसे अधिक पैसे ले सके। तो हमारे यहाँ पर अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारे जो देश के जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं वो उभरें, वो बढ़ें, वो विकसित हों और नए नए लोग उनमें शामिल हों, और एक बार कोई आदमी आके वहाँ पर दोबारा भी आना चाहे, तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ की व्यवस्थाएँ बढ़िया हों, एक बेटर रेगुलेशन हो, हर चीज़ फिक्स हो कि यहाँ से यहाँ तक का किराया इतना रहेगा, इस तरह के भोजन का रेट इतना रहेगा और ऐसे कमरे का किराया इतना रहेगा, आपके मोल भाव के ऊपर ना रहे। तो अभी श्री जगन्नाथपुरी जी के मंदिर में तो हम गए नहीं, पर उस मंदिर के बारे में भी ये घटना तो बड़े अफसोस के साथ मुझे भी याद आती है। वो है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी जब इस मंदिर में गए, तो यहाँ भी जो पुजारी थे यहाँ मंदिर के, उन्होंने कोशिश की कि उनसे भी पैसे लें एक तरह से, तो उस चीज़ से वो बड़ा आहत रहे। बाद में खैर यहाँ प्रशासन ने उस बात की जो है वो जांच भी शुरू की, तो ये ट्रेंड भी ना हो, इससे हमारे जो धर्म हैं वो चीज़ें यहाँ जो बदनाम होती हैं। तो हमारा धर्म बढ़िया से काम करे, इसकी जिम्मेदारी भी हम सब के ऊपर है। तो अपना धर्म ऐसा बनाएं जो सबके लिए हो, सबके लोग उसमें शामिल हो सकें, समाहित हो सकें, और सबका वो वेलकम करने वाला हो, किसी के लिए असहूलत वो ना खड़ी करता हो, और हमारा धर्म खूबसूरत हो। तो फिलहाल ये बातचीत आपसे मैं कर पा रहा हूँ, और इसका पूरा श्रेय जाता है प्रदीप को, वो प्रेरक भी हैं हमारे और कैमरामैन भी हैं। तो प्रदीप के और विकास के साथ आज जगन्नाथपुरी के इस तट से हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।